खबर शाहजहांपुर से, जहां आरटीओ कार्यालय में चल रहे दलाली के अड्डे के बड़े स्तर पर भंडाफोड़ हो गया। लखनऊ से आई विजिलेंस की टीम ने एसपी शाहजहांपुर के साथ मिलकर आरटीओ कार्यालय में छापा मारा, जहां से दलालों के रहनुमा सरकारी बाबू समेत करीब 40 दलाल हिरासत में लिए गए। सभी को पुलिस लाइन में रखा गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। शाहजहांपुर के संभागीय परिवहन कार्यालय में हमेशा दलाली और दलालों का बोलबाला रहा है। तमाम संगठनों द्वारा आवाज उठाई गई, मगर हर कार्यवाही के नाम पर महज खानापूर्ति ही की गई। इस बार शासन में शिकायत किए जाने पर विजिलेंस को इस मामले में लगाया गया। लखनऊ से भेजी गई विजिलेंस की टीम ने पुलिस कप्तान एहसानंद संपर्क साधा, एसपी स्वयं कई स्थानों की पुलिस के साथ नियामतपुर गांव स्थित आरटीओ कार्यालय जा धमके, जिसे दलालों में हड़कंप मच गया। आसपास दुकानें किराए पर लेकर दलाली कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कार्यालय के अंदर बैठे दलालों के मददगार सरकारी कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में 4 लाख रुपए की नकदी के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप आदि सामान भी बरामद किया। इस कार्यवाही में आरटीओ कार्यालय के बाबों के साथ करीब 40 दलालों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन सभी को पुलिस लाइन के सभागार में लगाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ से सूचना मिली थी कि ऑनलाइन सुविधा के नाम पर आरटीओ कार्यालय में दलाली का काम हो रहा है। लखनऊ से आई टीम के साथ मौके पर जाकर छापा मारा, वहां दलालों के साथ कार्यालय में संलिप्तता पाए गए कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारी अगर उसकी किसी भी रूप में कहीं भी संलिप्तता मिलती है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और सक्षम धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा। ये कार्रवाई करते समय भी इसमें पूर्ण गोपनीयता बरती गई है और इसमें अगर किसी सरकारी अधिकारी की, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी संलिप्तता अगर किसी भी विजिलेंस टीम के किसी भी जांच अधिकारी के द्वारा किसी भी रूप में रेखांकित की गई तो उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की है तो ये सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय लखनऊ से सूचना मिली थी कि उनको ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आरटीओ ऑफिस में जो ऑनलाइन सेवाएं सुविधाएं जो आम जनता को दी जा रही हैं उसमें दलालों के माध्यम से यह सुविधाएं मोटी रकम लेकर जनता को दी जा रही है, जिससे आम जनता के लिए जो सुविधाएं मूलभूत सरकार द्वारा दी गई हैं उन पर गतिरोध हो रहा है। तो इस कार्रवाई को करने के लिए वहां से एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के साथ डिप्टी एसपी थे और बहुत सारे इंस्पेक्टर्स, ये उनकी एक टीम आई थी आज सुबह और उन्होंने इस बारे में हम लोगों को जानकारी दी कि ऐसी ऐसी सूचना है, इस पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से वहां रेड किया जाना है। इस पर एसपी सिटी और सीओ सिटी और एक मजिस्ट्रेट, मैंने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया था कि एक मजिस्ट्रेट मौके पर रहेंगे, तो उसमें सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहां ये रेड की गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये इसमें दलाली का काम कर रहे हैं वो पकड़े गए हैं और कार्यालय के अंदर भी जो इसमें संलिप्त हैं उनके कर्मचारी उनको भी कुछ लोगों को लाया गया है, उनसे गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। वहां से कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी और इनके पूछताछ के माध्यम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें अफसरों और जो बाबू की मिलीभगत से सब काम हो रहा था इसकी जांच भी होगी? यह बहुत प्रारंभिक स्तर पर ऐसा कुछ भी कह पाना निश्चित नहीं है कि इसमें किसकी किसकी भूमिका है, यह तो अभी जब विजिलेंस के अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे विस्तृत तो उसके आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर जनपद में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा, यूं कहिए कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ताजा मामला बिजली विभाग से संबंधित है। मोहल्ला चौभुर्जी निवासी आलोक कश्यप ने ऊर्जा मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि 31 अगस्त को शाम 7 बजे के बाद सब स्टेशन अब्दुल्लाहगंज के 5-6 कर्मचारी बिजली चेकिंग के नाम पर घर में आए तथा उसके घर सहित आस पड़ोस में 4-5 मकानों में बिजली चेकिंग की। बिजली चेकिंग करने के बाद आलोक ने कहा कि मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। बिजली चेकिंग करते समय बिजली के खंभे से घर तक आने वाले केबल में कहीं पर जोड़ था, उसकी वीडियो बनाकर उनमें साथ ले आए और अगले दिन उसे और अन्य पड़ोसियों को अब्दुल्लागंज सब स्टेशन बुलाया। जब वह अगले दिन सब स्टेशन अब्दुल्लागंज गया तो वहां पर उपस्थित कर्मचारी महेश माथुर ने उनसे कहा कि तुमने बिजली चोरी की है, तुम पर बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, इससे तुम्हें 50,000 का जुर्माना और जेल भी होगी। यह सुनकर प्रार्थी घबरा गया।
तथा हाथ जोड़ते हुए महेश माथुर से विनती करने लगा और कहा कि वह मजदूर आदमी है, वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा। ये सुनकर कर्मचारी महेश माथुर बोला कि चलो हम तुम्हारा मामला ले दे करके 20,000 में निपटा देंगे। ये सुनकर पीड़ित ने महेश माथुर के पैर पकड़ लिए और कहा साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे। तो फिर महेश माथुर ने अपने अन्य सहयोगी साथी से कहा कि चलो इनका मामला 10,000 में निपटा दो। फिर अगले दिन जब पीड़ित 10,000 लेकर गया तो महेश माथुर ने अपने अन्य सहयोगी साथी को वह रुपये दिला दिए। इस संबंध में प्रार्थी ने ऊर्जा मंत्री से मांग की, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कश्यप है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला चौबरी का रहने वाला हूँ जी। और जो है 31 तारीख की शाम को हमारे मोहल्ले में चेकिंग आई थी, 4-5 घरों में उन्होंने चेकिंग करी थी, वीडियो बनाए थे। जो चेकिंग करने वाले आए थे उनमें किसी के नाम जानते हैं? जी एक महेश माथुर थे जी। और 4-5 अन्य लोग भी थे जी। तो वो उन्होंने वीडियो बनाई, हमें कहा साहब क्या बात है। फिर उन्होंने पावर हाउस के आगे मिलना अब्दुल्लागंज, हमें अब्दुल्लागंज में सुबह पहुंचा तो उनके खिलाफ ऐसा कहा कि तुम्हारे खिलाफ जो है हमारे पे वीडियो है और तुम्हारी FIR दे दूंगी और 50-60,000 रुपया तुमसे पड़ेगा। हमने साहब हम गरीब आदमी है, हमारे कहाँ आप हमें चक्कर में डालना है, ठीक है कैसा है इसको निपटाना चाहते हो। हमने कहा साहब हाँ बताइए, कहीं 20,000 पड़ेगा। हमने साहब हम गरीब आदमी है, हम 20,000 रुपया आपको कहाँ से देंगे। कहने लगा 20,000 नहीं दोगे तो जाओ हम तुम्हारे FIR कर दे रहे हैं जाके। हमने साहब अरे हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं। महेश माथुर जी से हमने कही, वो कहने लगे ठीक है अच्छा ऐसा है इधर आओ। हम फिर पहुंचे, उनके कहने के 20,000 रुपया नहीं 15,000 पड़ेगा और 15,000 से कम नहीं पड़ेगा। हमने कहा साहब हम गरीब आदमी आप हमें काहे के लिए मार डाल रहे हैं। फिर वो 15,000 की जगह 12,000 पे आए, फिर वो 10,000 पे आए। तो महेश जी ने किया जाओ से करो इन्हें जो साइड में बैठे खड़े हैं इनको साइड में कोने में दे दो जाके पैसा। मैंने पैसा दे दिया और 4-5 जो और लोग भी गए थे उन लोगों ने भी पैसा दिया, मैं घर चला आया ठीक है। उसके बाद जो है शाम को किसी ने नेता नगरी का फोन हुआ होगा, मोहल्ले में पहुंचे हुए थे सबके फोन पहुंचे उनके कहने उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया। अब साहब मुकदमा भी लिख दिया, हमारे पैसे भी 10,000 ले लिए ठीक। अब हम बताइए गरीब आदमी है, अब हम पैसे भी हमारे चलेगा, मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया। फिर मैंने उनसे कहा हमारे पैसे वापिस कीजिए, कह रहे पैसे हम वापिस नहीं देंगे और ना ही फोन उठा रहे हैं जो नंबर दिया था और ना ही साहब हमारे पैसे दे रहे हैं जी। फिर उसके बाद मैं जो है खन्ना जी कहने गया, मंत्री जी कहने मंत्री जी से मिला, उन्हें हमने एप्लीकेशन दी। उसके बाद हम अन्य अधिकारी कहने भी पहुंचे, उन्हें भी हमने इसकी इतला दी, उनसे भी हमने शिकायत करी ठीक। उसके बाद शिकायत करी, फिर हम उन्हें ये बात जब पता चली कि मेरी शिकायत हो गई है, अब वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि आप एक स्टाम्प पे लिखित में दो कि महेश माथुर से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम इन्हें नहीं जानते हैं, इनको हमने पैसा नहीं दिया है। अब साहब बताइए हम गरीब आदमी, हमारा पैसा भी चला गया, मेरे ऊपर मुकदमा भी लिख दिया, अब ऊपर से हमें डरा धमका रहा है और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हमें लिखित में दे दो, हम साहब कैसे लिखित में दे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।